गुड मॉर्निंग एलकेजी, नाउ ओपन योर इंग्लिश बुक ग्रेसफुल प्री प्राइमर एंड ओपन पेज नंबर 33। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग 4 लाइंस रीडिंग कर चुके थे 26 नवंबर को। आगे आज हम लोग करेंगे। आई हैव टोल्ड यू बेटा, मैंने आपको बताया था THIS, दिस मीन्स यह होता है, दिस मीन्स यह, THAT, दैट दैट मीन्स वह, ओके, दिस मीन्स यह, कोई चीज आपके पास होती है, जैसे ये देखिए रैबिट है, तो यह एक रैबिट है, दिस इज अ रैबिट, और जो चीज थोड़ी दूर होती है तो कहते हैं दैट इज अ बर्ड, वह एक पक्षी है, ये बर्ड है, पहचानिए इसको, ये रैबिट है। और फ्लावर्स भी पहचाननी चाहिए आपको, ये रोज फ्लावर है, ठीक है, रोज फ्लावर, गुलाब का फूल, रोज है ये, पहचानिए। ये लोटस है बेटा, देख के पहचानिए लोटस है, ये जानना बहुत जरूरी नहीं है कि लोटस मीन्स कमल, आप ये जानिए दिस इज लोटस, ओके। जैम खाते हो ना ब्रेड में लगा के, ये बर्गर ये भी खूब खाते हो। अब देखिए रीडिंग करेंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो चीजें इधर हैं उनके लिए दिस आएगा यह, जो चीजें इधर हैं उनके लिए दैट आएगा वह, क्योंकि जो चीज आपके नजदीक होती है आप कहते हैं, जैसे यह एक पेंसिल है और ये दूर हो जाएगी पेंसिल आपसे तो आप कहेंगे वह एक पेंसिल है। ठीक है बेटा, तो अब चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बोलिए THIS, दिस, IS इज, RABBIT रैबिट, फिर से बोलिए RABBIT रैबिट, दिस इज अ रैबिट, यह एक रैबिट है, THAT दैट, IS इज, और BIRD बर्ड, दैट इज अ बर्ड, वह एक पक्षी है, दैट इज अ बर्ड, वह एक पक्षी है। नेक्स्ट THIS दिस, बोलिए बेटा मेरे बाद बोलिए आप लोग, IS इज अ ROSE रोज, दिस इज अ रोज, यह एक रोज है। नेक्स्ट THAT दैट, IS इज अ LOTUS लोटस, दैट इज अ लोटस। नेक्स्ट दिस इज अ जैम, JAM जैम, दिस इज अ जैम, दैट इज अ बर्गर, BURGER बर्गर, BURGER बर्गर, दैट इज अ बर्गर। अभी एक बार पूरा मैं स्टार्टिंग से रीडिंग करा रही हूं, एक बार मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे, मैं सुन रही हूं आप बोल रहे हैं कि नहीं। दिस इज अ बेल, और जोर से बोलिए बेटा, सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे। दैट इज अ जोकर, दिस इज अ डॉल, दैट इज अ टेलीविजन, दिस इज अ रैबिट, दैट इज अ
world. This is a rose. That is a lotus. This is a jam. That is a burger. बेटा यहां से यहां तक आपको रीडिंग करनी है एंड यू हैव टू राइट इन योर कॉपी और आप लोग डायरी में होमवर्क नोट करिएगा. पेज 33 ग्रेसफुल इंग्लिश पेज 33 रीड एंड राइट. ठीक है फ्रॉम 5 to 10. देखिए फिफ्थ सेंटेंस है 5, 6, 7, 8, 9, 10. इतना आपको रीडिंग करना है और राइटिंग करना है कॉपी में. ओके बेटा थैंक यू.